स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करते हैं चेंबर में दो फाड़ की। धनबाद के पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अलग हुए एक गुट ने 9 जून को नए चेंबर यानी नई कमेटी की घोषणा कर दी। अलग हुए नए गुट का नाम चेंबर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार रखा गया। व्यवसायियों ने अग्रसेन भवन में संवाददाता सम्मेलन कर पुरानी कमेटी की खामी और मनमानी को बताया। दोनों गुटों में विवाद चुनाव की तारीख को लेकर हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि जिले का सबसे बड़ा चैम्बर, व्यवसायियों का सबसे बड़ा चैम्बर है, वो दो फाड़ में बट गया है। तो पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अलग हुए गुट ने नए चैम्बर की घोषणा कर दी और उसका नाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार रखा। और इस नई कमेटी के साथ वो पैरेलल काम करना चाह रहे हैं और पुरानी जो कमेटी जो पहले रही है यहाँ की वास्तविक कमेटी, उस कमेटी पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या कुछ मामला है, आखिर विवाद इतना क्यों, व्यवसायियों के बीच ऐसी क्या एक दूसरे के प्रति नाराजगी? वेद, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से विवाद चल रहा था आपस में। इसमें जो कुछ नए सदस्य थे, नई कमेटी के लोग थे, वो पुरानी कमेटी पर मतलब कुछ पुराने जो ऑफिस बेरर थे उन पर आरोप लगा रहे थे कि वो काफी दिनों से अपने पद पर बने हुए हैं, कभी अध्यक्ष कभी सचिव, और दूसरे नए लोगों को जो है इसमें चांस नहीं मिल रहा है, इससे नाराज थे। और उन्हें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये अपने निजी इस्तेमाल के लिए जो है अपना फायदा उठाने के लिए कमेटी में बने रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं दूसरे जो सदस्य थे उनमें आक्रोश था और चुनाव न कराना ये भी एक बड़ा मुद्दा था इन लोगों के बीच। काफी दिनों से मांग हो रही थी कि कमेटी का चुनाव हो और तरीके से जो है एक संचालन इसका किया जाए, लेकिन उसकी मांग को भी जो जो अध्यक्ष और सचिव थे वो नहीं मान रहे थे। इसी की वजह से आक्रोश बढ़ता जा रहा था और अंततः जो है कमेटी दो फाड़ों में बट गई। जी, तो शरद क्या कुछ लग रहा है, आपकी बात हुई होगी दोनों चैम्बर्स, जो दो चैम्बर्स अब बन गए हैं, एक चैम्बर्स की जगह दो चैम्बर्स बन गए हैं और चुनाव की घोषणा हुई थी, इसको तारीखों को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया। सवाल ये है कि व्यवसाय के हितों की बात करने के लिए ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया जाता है ताकि एक दूसरे का ख्याल रख सके, जो समस्या हो उसका समाधान हो सके, और जब कोई परेशानी होती है तो सब एकजुट होकर किसी को भी उस परेशानी से बाहर निकाल सके। लेकिन जब आपस में ही इस तरह भिड़ंत होगी तो जाहिर सी बात है इसका असर धनबाद ज़िले की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, हालांकि जो दोनों कमेटियां हैं दोनों इस बात का क्लेम करती हैं कि दोनों जो है व्यवसायी हित में ही काम कर रही हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो नई कमेटी है इसमें कुल 36 सदस्य जो हैं अभी तक बने हैं और ये 36 सदस्य ही इस कमेटी को चलाएंगे। कमेटी सदस्यों का कहना है, अभी राजेश गुप्ता जी जो हैं उनसे हमारी बात हुई, सीनियर सदस्य हैं उसके, उनका कहना है कि अभी हम 36 सदस्य ही जो है इस कमेटी को चलाएंगे जब तक चुनाव नहीं होता है, तो इस वर्ष के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक यह कमेटी वैलिड रहेगी और इसके बाद जो है कमेटी का बायलॉज बनाया जाएगा और उसके बाद आम चुनाव कराया जाएगा। आम चुनाव के बाद उसमें अध्यक्ष और सचिव ये सब और सारे ऑफिस बेयरर जो है बनेंगे। जी, तो वर्तमान जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है पुराना बाजार, उसके अध्यक्ष हैं अजय नारायण लाल, क्या उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल, अजय नारायण लाल जो है वो अपने अनुसार चाह रहे हैं और हालांकि वो बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं थे इस विषय पर, और जो नई कमेटी के लोग हैं वो उन पर आरोप लगा रहे थे कि वो कभी अध्यक्ष कभी सचिव पिछले 18 वर्षों से वो पद पर बने हुए हैं। नई कमेटी का कहना है कि आखिर उनका कुछ न कुछ निजी हित निजी लाभ है तब वो इस कमेटी में इस तरह से हैं और नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, यही वजह है कि उन नए लोगों में काफी आक्रोश था इसको लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि धनबाद में पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कभी एक हुआ करता था, उसमें घमासान मचा है और यही वजह है कि अब
दो फाड़ में बट गया है और एक नए कमेटी को बनाया गया है, एक नए चैम्बर को बनाया गया है वहाँ के कुछ कुछ सदस्यों के जरिए, जिसका नाम रखा गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार, यानी एक पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और दूसरा गुट जो तैयार हुआ है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाज़ार। यानी धनबाद में अब दो दो चैम्बर अभी फ़िलहाल वर्किंग हैं और चुनाव की तारीख को लेकर, महज सिर्फ चुनाव की तारीख को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसके बाद चैम्बर दो फाड़ हो गया और उसके बाद दोनों पक्षों का किया अलग अलग दलील है अपनी चुनाव कराने को लेकर, और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और एक उनकी कमिटी जो है, उनका जो चैम्बर है वो फुल फ्लेजेड यानी पूरे पूरे पावर के साथ सत्ता में रहे। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया, धन्यवाद।